देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिवसेना के दोनों खेमों के नेता एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं, साथ ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भी एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे को। दरअसल महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान कब खत्म होगा ये कहना अभी मुश्किल है। शिवसेना के दोनों गुट पर अगर हम बात कर ले तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे पर इस कदर हावी हैं कि चाहे दोनों को नुकसान ही क्यों ना पहुंच जाए उसके बावजूद भी वो अपने आप पर अडिग रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि घर बैठकर कुछ नहीं होता, ये वर्ड जो है वो एकनाथ शिंदे के थे उद्धव ठाकरे के लिए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना दो खेमों में बट गई, यही कारण है कि दोनों गुट एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घर बैठकर कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि माफ करने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सलाह भी दी है कि अगर माफी को दोस्ती के साथ जोड़ दिया जाए तो सभी विवाद सुलझ जाएंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर शनिवार को हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि असली शिवसेना के प्रमुख है। अब यहाँ पर देखिए, देखना यही है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच इस तरीके से जवाबी हमले क्या सही है, क्या इस जवाबी हमले का यहाँ पर तर्क निकलता हुआ नजर आता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से इस तरीके से बयानबाजी करना और उद्धव ठाकरे को धमकाना, क्या उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।